पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार में फेरबदल होने जा रहा है। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल से 4 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। सीएम ने इनका इस्तीफा ले लिया है। वहीं इन मंत्रियों के इस्तीफे के साथ अब सीएम भगवंत मान के मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ समारोह रखा गया है, जिसमें पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया नए मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। पंजाब के जिन 5 विधायकों के मंत्री बनने के लिए लॉटरी लगी है, उनमें हरदीप सिंह मुंडिया, तरुणप्रीत सौंध, वरिंदर गोयल, डॉक्टर रवजोत सिंह और मोहिंद्र भगत जैसे विधायक शामिल हैं, जो बतौर मंत्री पद व गोपनीयता शपथ लेंगे। ध्यान रहे कि पंजाब के जालंधर वेस्ट हल्के से उपचुनाव जीतकर विधायक बने मोहिंद्र भगत को मंत्री बनाने की बात सीएम भगवंत मान ने कही थी। अपने उसी वादे को सीएम मान अब निभाने जा रहे हैं। आप विधायक मोहिंद्र भक्त को आज मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें स्पोर्ट्स मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। साथ ही पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल से जिन 4 मंत्रियों की छुट्टी की गई है, यानी मंत्री पद से इस्तीफा हुआ है, उनमें चेतन जोड़ामाजरा, ब्रह्मा शंकर जिम्पा, बलकार सिंह और अनमोल गगन मान का नाम शामिल है। करतारपुर से विधायक पूर्व DCP बलकार सिंह पिछले साल 31 मई 2023 को मंत्री बनाए गए थे। बलकार सिंह के साथ लंबी से विधायक गुरमीत सिंह खुडिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं खरड़ हल्के से विधायक अनमोल गगन मान को जुलाई 2022 में मंत्री बनाया गया था। इस दौरान गगन के साथ समाना से चेतन सिंह जोड़ामाजरा, सुनाम से दूसरी बार विधायक बने अमन अरोड़ा, गुरु हर सहाय से फौजा सिंह सरारी, अमृतसर साउथ से डॉक्टर इंद्रवीर सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। तब पंजाब के पूर्व गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। पंजाब सरकार का यह पहला कैबिनेट विस्तार था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मार्च 2022 में भगवंत मान के साथ 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें, पंजाब मंत्रिमंडल से इन 4 मंत्रियों के इस्तीफे से पहले 3 और मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इंद्रबीर सिंह निज्जल, डॉक्टर विजय सिंगला और फौजा सिंह सरारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर विजय सिंगला और फौजा सिंह सरारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री रह सकते हैं। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने अपने 5 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन परिणाम में 4 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को लोकसभा की 13 सीटों में से केवल 3 सीटें मिली, जिनमें मंत्री रहे गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संगरूर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। पार्टी के 4 मंत्रियों में कुलदीप सिंह धालीवाल, डॉक्टर बलवीर सिंह, गुरमीत सिंह खुडिया और लालजीत सिंह भुल्लर को खंडूर साहिब से हार का सामना करना पड़ा था। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।